गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने रीजनिंग में? ठीक है, कोई बात। कोई बात नहीं, मैं लिंक फिर शेयर कर दूंगा लास्ट में। कोडिंग डिकोडिंग में हम मैट्रिक्स पढ़ चुके थे, आज हमें नंबर और अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। तो टाइटल डालिएगा नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग, संख्या और अक्षर कूट भाषा, नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग। देखो इसमें जो प्रश्न बनते हैं नंबर एंड अल्फाबेट, अब प्लीज मैं कमेंट्स को ब्लॉक कर रहा हूं, आप इस पर ध्यान दीजिए पूरी तरह से। नंबर एंड अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न बनते हैं वो एबीसीडी पर बेस्ड होते हैं। एग्जामिनर आपको एक एग्जाम्पल पहले देता है कि वो ऐसा सोच रहा है, आपको उसने क्या सोचा है, उसने क्या पैटर्न अपनाया है, उसने क्या लॉजिक अपनाया है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम पैटर्न उसने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना होता है। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाए। जो लोग पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मतलब इन प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। लेकिन उसके पहले हमें अल्फाबेट की पोजीशन भी याद होनी चाहिए। जितनी हमें अल्फाबेट की पोजीशंस याद होगी उतने हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ये वर्ड याद रखना एजोटी, इससे आपको एबीसीडी की पोजीशन निकालने में बहुत आसानी होगी। एजोटी 5, 10, 15, 20, 25, जैसे टी अगर 20 है तो यू 21 होगा, अगर ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 तो ई 5 हो जाएगा, जे 10 हो जाएगा। अब इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हो सकता है जितने में सवाल पढ़ाऊं उससे बियॉन्ड भी सवाल आ जाए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज है कि जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इसमें कई बार लक भी काम करता है, कई बार प्रैक्टिस काम करता है। मैं कुछ बेसिक आइडिया आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा सवाल आए तो आपको इसे इस पैटर्न पर सॉल्व करना चाहिए। तो लिखेंगे टाइप 1, टाइप 1 पहला क्वेश्चन। इफ यदि इज इक्वल टू 5, पेन इज इक्वल टू 35, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिया? AT is equal to 20, BAT is equal to 40, State is equal to 13,
नन इज इक्वल टू 12 फैमिली इज इक्वल टू, ये टाइप वन है। अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनमें से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या चल रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं, हमारा एग्जामिनर, हमारा परीक्षक किसी लॉजिक के बलबूते, कोई हमें नहीं पता वो लॉजिक क्या है, पेन को 35 लिखता है, हमें वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि उसने पेन को 35 किन बेसिस पर लिखा होगा, फिर उसी पैटर्न पर हमें इंडियन को बताना है किस लॉजिक पर वो 80-20 लिख रहा है, वेट 40 लिख रहा है, तो सीईटी क्या लिखेगा, स्टेट को अगर वो 30 नन को 12 लिखता है तो फैमिली को क्या लिखेगा। जैसे पहला सवाल मैं हल कर दे रहा हूं, अगला आप ट्राई करेंगे। भाई मुझे ऐसा लग रहा है पहले पोजीशन लिख देते तभी पता चलेगा, तो पी की पोजीशन होती है 16, ई की पोजीशन 5, एन की पोजीशन 14, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद जोड़ दिया होगा, मैं सोच रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या किया, पर मैं ट्राई कर रहा हूं। 16 और 5 21 और 14 35, पहचान लिया मैंने कि इस गरीब आदमी ने पोजीशन को लिखकर जोड़ दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे बचपन में बड़े पापा बड़ी मम्मी या कोई भी रिश्तेदार कोई चीज छिपा देता था और हमसे पूछता था बताओ कहां छिपाई, बस कुछ वैसा ही है। तो मैंने भी पोजीशन लिख दी 9, 14, 4, 9, 31, 40 या जाएगा 9, 14 और 9 और 14, 23, 4, 27, 9, 36, 37, 51 पहले का आंसर आना चाहिए था 51। तब आप बताइए कि दूसरे और तीसरे में क्या आंसर आएगा। तो ए का मतलब 1, टी का मतलब 20। अब 1 और 20 से 20 तभी आएगा जब वहां मल्टीप्लाई हो, 2, 1 और 20 से 40 तभी आएगा जब वहां मल्टीप्लाई हो, तो 3, 5, तो हम कहेंगे कि आंसर आ जाएगा 300। आंसर आएगा 300। अब इसी पैटर्न पर यहां भी गौर करते हैं, स्टेट, स्टेट का मतलब हुआ 19, 20, 1, 20, 5, तो 19 और 1, 20, 20 और 20, 40, 20, 60, 65, 65 से 13 कैसे आया, तो जैसे शमीम बता रहे हैं कि 5 से डिवाइड कर दिया होगा। सर 5 से ही क्यों डिवाइड किया, शायद 5 अल्फाबेट है इसलिए 5 से डिवाइड किया, हमने सोचा है, हमें नहीं पता वो सही होगा कि गलत। अब इसी रूप में आगे देख लेते हैं, नन 14, 15, 14, 5, तो ये आ रहा है 48। क्या 48 को 4 से डिवाइड किया जाए तो 12 आता है, जी हाँ, अगर ये बात सही साबित हो रही है दैट मींस हमने जो आइडेंटिफाई किया वो बिल्कुल सही है। तो फैमिली में 6, 1, 13, 9, 12, 25, 7, 20, 29 और 12, 41, 66, और ये 6 से डिवाइड किया, बिल्कुल जितना जल्दी आइडेंटिफाई होगा उतना जल्दी आंसर। अब यहां एक और चीज, ये जितने सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं ये मेरे लिए रटे हुए सवाल है, क्योंकि तो शायद मैं इस सवाल को 1700 या 1800 बार कर रहा होगा, तो ऐसा मत सोचेगा कि मैंने बहुत खोजबीन किए, नहीं मुझे सब पता है क्या आंसर है, मैं केवल एक्टिंग कर रहा हूं आपके सामने कि देखो ऐसा करना चाहिए, मतलब आपको ये सिखा रहा हूं कि या तो हम प्लस करेंगे या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो हम डिवाइड करके जोड़ेंगे,
ऐसे मत सोचना कि मैंने इसको खोजा या मैंने इसको ढूंढा है, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि हमें उसमें पहचानना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइप से शायद किया गया होगा। तो ऐसे मत सोचना, जैसे कई लोगों को लग रहा है कि ऐसा किया सर डिवाइड किया होगा, तो मुझे सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें सीखना है कि ऐसा डायमेंशन आता है, तो ये टाइप वन है, ये टाइप वन है कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं टाइप टू पर, इसी पैटर्न में कुछ ऐसे सवाल भी कभी बार बन जाते हैं। जैसे एक सवाल देखना, टाइप टू लिखकर सर्कल को लिखा जाए ELCRIC, तो स्क्वायर को क्या लिखेंगे भाई? पुलिस को लिखा जाए LOPECI, तो मोबाइल को क्या लिखेंगे? मदर को लिखा जाए EHMORT, तो फादर को क्या लिखेंगे? ठीक है, पहले तो हम पहचानते कि सर ये टाइप टू आप कह रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? तो यदि आपको ये लगे कि लेफ्ट साइड में जो अल्फाबेट है राइट साइड में भी वही अल्फाबेट है, तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। एग्जामिनर ने उनको रीअरेंज करके लिखा है, हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जिसमें वो रीअरेंजमेंट कर रहा है। जैसे पहले सवाल में मुझे लग रहा है कि उसने पूरा रीअरेंजमेंट उल्टा लिख दिया है ELCRIC, तो मैंने कहा बहुत ही इजी भाई उत्तर आ गया क्योंकि मैंने लॉजिक पहचान लिया ERAUQS। हमने कहा भाई अरेंजमेंट हो गया, तब आप मुझे बताए कि दूसरे का आंसर अब उस इस लॉजिक के बलबूते क्या आएगा। बढ़िया, क्या पैटर्न हम बता पाएंगे, क्या पैटर्न हम कहेंगे? हम कहेंगे कि महोदय इसने बीच में से ब्रेक कर दिया है और उल्टा लिख रहा है LOPECI, तो बीच में से ब्रेक कर दिया और हमने भी उल्टा लिख दिया BOMELI। अभी इजी लग रहा होगा लेकिन एग्जाम हॉल में ये ब्रेन में क्लिक होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट का सवाल है, नहीं तो कई लोग लगने शुरू कर देते हैं पी से कितना आगे गया कितना पीछे गया। तो ऐसा सोचिएगा ध्यान से कि हमें इसे सीखना है। पर बहुत बढ़िया सवाल है तीसरा, तीसरे का उत्तर गलत है। बहुत बढ़िया सोनी का, आई ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग, मैं तीसरे का उत्तर बताए, अगर ये चार ऑप्शन होते तो आप क्या चुनते? बी चुनने वाला भी है कोई, जहां मैंने एक ऐसा अक्षर यूज किया जो उसमें था ही नहीं। तो जो अधिकतर लोग डी लगा रहे हैं वो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप ये जो सोच रहे हैं ना कि ई लिख दिया फिर एच लिख दिया फिर एम लिख दिया, ऐसा पैटर्न नहीं होता, रिवर्स पैटर्न होता है, बीच में से तोड़ने का पैटर्न होता है।
ऐसा अजीबोगरीब नहीं होता कि कोई भी अक्षर कहीं से भी लिख दिया। ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है लाल लाल यू, अल्फाबेटिकल। मदर शब्द को यदि हम एबीसीडी के अकॉर्डिंग लिखे तो ई एच एम ओ आर टी बनेगा, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। फादर शब्द का ए ई एफ एच आर टी बनेगा। ये भी लॉजिक होता है कि एग्जामिनर अल्फाबेटिकल अरेंज करके प्रश्न बनाता है। तो पैटर्न क्या क्या सीखे हमने, रिवर्स लिखने का पैटर्न, बीच में से ब्रेक करके लिखने का पैटर्न, या अल्फाबेटिकल अरेंज करने का पैटर्न। ऐसे सवाल इसमें एग्जामिनर बनाता है, मतलब ऐसे सवालों में हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कठिन हो जाता है ये, कहीं लिख देना ब्रैकेट में अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, क्योंकि शायद रिवीजन करने के करते समय याद ना आए, तो वहां याद आना चाहिए था कि अक्षर माला के अनुसार लिखा है, कि एबीसीडी में जो पहले आता है वो पहले, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा गया है। ऐसे भी पैटर्न लिखे जाते हैं। अब हम लिख रहे हैं टाइप थ्री, ये भी एक ईजी टाइप है, लेकिन कई बार इसमें भी गलतियां होती है स्टूडेंट से। रेन इज कॉल्ड $8/6, मोअर इज कॉल्ड $7/8. तो रिमेन को क्या लिखेंगे, थ्री फाइव एट सेवन, सेवन फोर सिक्स फाइव, तो आइडिया को क्या लिखेंगे, अब जरा ध्यान से समझेंगे सभी लोग प्लीज। जब भी इस पैटर्न के सवाल आपकी लाइफ में आए तो पहचानोगे कैसे, ये तो मुझे पता है कि टाइप थ्री। अगर आपको लगे पहले तो आर को जरा देखो, जो दोनों में कॉमन है और दोनों जगह आठ लिखा है, दैट मींस वही सेम सीक्वेंस में है। इसकी दूसरी पहचान, जो प्रश्न पूछा गया है ना वो इन्हीं शब्दों से मिलकर बन रहा है, मतलब आपको जनरली कुछ नया नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। तो आप बस लिख देंगे कि महोदय आर का मतलब होगा एट, ई का मतलब होगा एट द रेट, एम का मतलब होगा सेवन, ए आई एन ए आई एन $/6। आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो दिए गए अक्षरों से ही बनता हो तो इससे ज्यादा सिंपल सवाल तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता। तो आप बताइए कि आइडिया का डिकोड आप क्या लिखेंगे। अद्भुत, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के चेहरे भयानक है, मेरे हिसाब से अगर उन्हें सच में ये सवाल समझ में नहीं आया तो बहुत बड़ा चैलेंज है उनके मस्तिष्क पर। मतलब आप ये मत कहना कि सर ठीक है आप नहीं समझा पाए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर ये सवाल समझ नहीं पाए तो रियल में उसने आईएएस बनना चाहिए, ना बने वो आईएएस। मैं जानता हूं उसके अंदर की कुंठाएं आवाज दे रही होगी कि सर क्या जानते हैं, मैं अभी करा दूंगा। जो अक्षर है उनके सीक्वेंस में सीधे वही कोड बन गया है, कुछ भी सोचना नहीं, डायरेक्ट वो उसका कोड है। तो आई का डिकोड हो जाएगा 4, डी का डिकोड हो जाएगा 3, ई का डिकोड हो जाएगा 5, ए का डिकोड हो जाएगा 8। निश्चित ही जो 14 इमोजी भेजे हैं जिस लाल ने, मैं चाहूंगा भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसे सद्बुद्धि दे, और मैं प्रार्थना करूंगा कि उसके मस्तिष्क को इतना बेहतर करे कि वह ऐसे सवालों में इमोजी भेजने के स्थान पर मस्तिष्क को मजबूत करते हुए सीख सके। मतलब इस सवाल में भी इमोजी भेजा जा सकता है, आप सोचे ना,
ये कोई अद्भुत नहीं लग रहा है कि ये इतना घटिया सवाल है कि जिसको वास्तविक में बताना मतलब बेइज्जती करना है ग्रेजुएट बच्चे की, लेकिन फिर भी क्या है कि आइडिया लगा लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमने क्या क्या सीखा? हमने एक पैटर्न ये देखा जहां ऐसे सवाल आते हैं, हमने एक सवाल ये देखा जहां ऐसे सवाल आते हैं, और हमने एक पैटर्न ऐसा देखा जहां ऐसे सवाल आते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है? जो अक्षर का क्रम है बस उसी क्रम में उसका कोड था, तो हमें जो अक्षर दिए बस उसके कोड को लिख देना था। आइए, मुझे नहीं लगता प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक सवाल देख लेते हैं कि मोबाइल को 743 $/6 लिखते हैं, फाइल को 9 $/6 लिखते हैं, तो मोल को क्या लिखेंगे? सेवन फोर परसेंट सिक्स, 476%, मैं जानबूझकर गलत आंसर लगाऊंगा ताकि मुझे जानना भी है कि इसमें गलत कौन कर रहा है। चलो, पहली बार ही सही, 99% तक तो पहुंच गए, बहुत बढ़िया। यह हमारा आज का अभी तक का अधिकतम स्कोर है, 98%, ठीक है, चल जाता है, इतना तो मतलब माफ कर लिया जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं इसका आखिरी टाइप बता रहा हूं जिसको नाम दिया जाता है रिलेशंस, इसको नाम दिया जाता है रिलेशंस। रिलेशन में हमें यह देखना होता है कि उसने क्या चेंजेस किए अल्फाबेट में। जैसे वो कहता है, एग्जांपल देगा कि अगर हमने मोस्ट को MNTS लिखा तो बल्क को क्या लिखेंगे, समर को रनर लिखा तो विंटर को क्या लिखेंगे, बीट को YVZG लिखा तो माइल्ड को क्या लिखेंगे। फिर एक दो सवाल कुछ कठिन वाले और दिखा दूंगा मैं। पहला सवाल मैं हल करूंगा, अगले दोनों हम सीखेंगे। पहले तो पहचान बड़ी इजी है कि आपको खुलकर दिखेगा कि यहां कुछ और यहां कुछ और लिखा है। इसका मतलब है कि हमें देखना है कि वो कितना आगे कितना पीछे अक्षरों को प्लस माइनस करता है। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सी बात कहें तो हम यहां पर कहेंगे कि MN +1 कर रहा है भाई, NO NO मतलब पीछे जा रहा है -1 कर रहा है, ST +1 कर रहा है, TS
माइनस हुए। तो मैंने पैटर्न पहचान लिया कि सर बड़ा इजी है, एक बार प्लस करता है, एक बार माइनस करता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैंने लिखा कि सी अगर माइनस करेगा तो हमें एबीसीडी याद होनी चाहिए, एस टी यू तो टी, फिर एल का प्लस एल एन और आई जे के, तो के से माइनस जे। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ये यूपीएससी में आ चुका है, 2009 का प्रश्न है। तो आपको बताना है कि समर को रनर लिखते हैं तो विंटर को क्या लिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है कि आर एस माइनस वन, यू को एज इट इज लिख दिया, एम एन और एज इट इज लिख दिया। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे डब्ल्यू से वी, आई एज इट इज, एन ओ, टी यू और एज इट इज, वी आई ओ यू ई आर। थोड़ा तीसरा सवाल कठिन है, तीसरे का उत्तर बताएं। बहुत बढ़िया, एन आर ओ डब्ल्यू उल्टा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए मैं थोड़ा कमेंट्स रोक रहा हूं क्योंकि ध्यान भटक जाता है उसके कारण। इधर ध्यान देना कि कभी कभी ऐसे सवाल जब आते हैं तो हमें थोड़ा पहचानने में मुश्किल हो सकती है। देखना ही रहता है, अगर आपको यह दिख रहा है कि B की जगह Y है या A की जगह Z है तो इसका पहला रिलेशन तो होता है कि एक पीछे जा रहा होगा, लेकिन इसका एक और रिलेशन होता है कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, दो बार ABCD लिख रहा है, एक बार ABCD XYZ और दूसरी बार ZYX CBA। तो अक्षर के नीचे जो अक्षर आ रहा है वो उसका कोड बन रहा है, जैसे ए का कोड बन गया जेड और बी का कोड बन गया वाई। तो अब इसको निकालने के, उल्टा निकालने के दो तरीके सिखा रहा हूं, दो तरीके। पहला तरीका है ए बी सी डी एक बार लिख दीजिए, बहुत नॉर्मली ऐसे ऐसे लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, फिर उल्टा एन ओ P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो इसका बेनिफिट ये होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें अब याद नहीं करना, हमें देखना नहीं है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके बेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, या इसका एक और तरीका होता है, एक और तरीका, आप बी की पोजीशन जानते हो कि दो है, पांच है, एक है, बीस है, तो अल्फाबेट होते हैं 26, 26। तो हम आगे से अगर पोजीशन जानते हैं तो पीछे से पोजीशन बता सकते हैं। अब एक ही अक्षर को हम दो बार काउंट करेंगे तो 26 की जगह 27 से माइनस कर लो, तो 27 से माइनस क्या 25, 20, 26 और ये 7, आपको डायरेक्ट उल्टी पोजीशन मिल जाती है। अगर हम उसे 27 से माइनस करें तो भी हमें उल्टी पोजीशन मिल जाएगी डायरेक्टली। तो अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं M की जगह यहां से N, I की जगह R, L की जगह O, D की जगह W। SSC में कुछ टीचर इसको याद करवाते हैं, अजहरुद्दीन या आजाद बॉय, मेरे हिसाब से इतना दिमाग इस घटिया चीज में ना लगाए,
एबीसीडी लिखने में ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड लग सकते हैं आपको, 40 सेकंड, 26 लेटर लिखने में 40 सेकंड लग सकते हैं। इसको याद करोगे तो मतलब इससे ज्यादा बुरे चीज दिन नहीं आए। एक बार ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब कुछ नए पैटर्न के कुछ नए सवाल मैं दिखा देता हूं आपको कि आजकल ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। जैसे मान लो कि सवाल लिखा हुआ है कार, तो लिखा जाएगा बीडी जेड बी क्यू एस, तो एक्ट को क्या लिखेंगे? मतलब यहां तीन और यहां छह लेटर, तो इसका मतलब उसने आगे पीछे वाले कुछ एक एक के दो दो कोड है, या कभी कभी वो कम कर लेता है कोड को, जैसे ये मैक्सिमम टिपिकल सवाल जो बना सकता है। अब ऐसे सवाल में आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद नहीं, गारंटी है कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर निकाल कर बैठ गए होंगे पहले का, तो हम इसमें कहेंगे कि भाई क्या पैटर्न है, उसके आगे पीछे का लिख रहा है कि उसके पहले क्या था और बाद में कौन था, तो क्या आंसर हम देंगे? जेड बी बी डी एस यू। तो आप बिल्कुल बढ़िया से आंसर निकाल सकते हैं इसमें। अगले का आंसर बताएं। अरे ये समझ में नहीं, सी के पहले क्या आता है? सी के पहले बी आता है, सी के बाद क्या आता है? डी आता है। ए के पहले क्या आता है? तो ए के पहले कुछ नहीं, मतलब सेड आता है, फिर बी आता है, अब इस पर गौर करें। ये सब टाइप फोर के अंतर्गत है, सब टाइप फोर के अंतर्गत है। टाइप फोर में दूसरा नहीं आया, दूसरे में तो बहुत इजी है, माइनस वन किया था, फिर एज इट इज लिख दिया था, फिर प्लस वन, जैसा वो कर रहा है वैसा लिख देंगे। इसे रिपीट करने के लिए कह रहे हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या मैंने कठिन बता दिया इसमें। मैंने बताया कि उसके आगे और पीछे वाला लिख रहा है, बी बी क्यू, ए के पहले जेड आता है बाद में बी आता है, सी के पहले बी आता है बाद में डी आता है। अद्भुत है आप लोग, अद्भुत है। अब जरा इस पर गौर करिए, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां पर डिकोड कम हो जाए, डिकोड कम हो जाए, तो ऐसा मत सोचना कि दो अल्फाबेट का एक अल्फाबेट लिखा गया, नहीं, बल्कि इसको ऐसे सोचोगे आप लोग कि या तो उसने ऑड पोजीशन पर कुछ डिकोड किया होगा, या उसने इवन पोजीशन का डिकोड किया होगा। मतलब या तो उसने सम स्थिति के अक्षरों को डिकोड किया होगा, या उसने विषम स्थिति के अक्षरों को डिकोड किया होगा।
सम स्थिति के अक्षर या विषम स्थिति के अक्षरों को डिकोड किया होगा। और यह सवाल बहुत ही कठिन है। कठिन कैसा है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब आप लोग इतने घटिया सवाल नहीं समझ पाए तो मेरी हिम्मत खत्म हो जाती है कि मैं कहां से इतना कठिन सवाल आपको समझा पाऊंगा। इधर ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर डिकोड को उल्टा लिख देता है, मतलब के एच एम ओ डी को उल्टा कर दिया है उसने। आप उसको लिखो डी ओ एम एच के। कभी कभी एग्जामिनर इतना खराब कर देता है, इतना टिपिकल बनाना चाहता है कि बच्चा आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो हमें उस डिकोड को उल्टा लिखना पड़ता है। अब आप देखो तो अब आपको चीजें दिख जाएगी। ई माइनस वन, पी माइनस वन, एन माइनस वन, आई माइनस वन, एल माइनस वन, ई माइनस वन डी, पी माइनस वन ओ, एम माइनस वन, एन माइनस वन एम, आई माइनस वन एच और एल माइनस वन के, और उत्तर आएगा डी ओ एम एच के। मतलब ये सबसे टिपिकल क्या कर रहा है एग्जामिनर, एक तो केवल और केवल इवन पोजीशन के अल्फाबेट को चेंज कर रहा है और दूसरा उल्टा कर रहा है। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता यदि तुम्हें ऐसा लगे एग्जाम हॉल में कि तुमसे बन ही नहीं रहा है, तो एक अंतिम विकल्प के रूप में इसको रखो कि ठीक है शायद उल्टा करके देख लो, उत्तर आ जाए। नहीं नहीं कोई नहीं, अब आपको पता चलेगा ना। अभी आपको नहीं पता था तो आपको एग्जाम हॉल में से निकालने में कठिन हो जाती, लेकिन अब आपको मैंने बता दिया ना कि अगर आपको दिख रहा है कि उत्तर नहीं आ रहा है तो एक अंतिम ट्राई करके देख लो। तो उत्तर निकल गया हमारा L माइनस वन, आर माइनस वन, एफ माइनस वन, सी माइनस वन, ओ माइनस वन, के, क्यू, ई, बी, एस, एन। लेकिन लिखा ये जाएगा एन एस बी, उल्टा लिखा जाएगा एन एस बी ई क्यू के। तो ये एक अंतिम टाइप है जहां एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है। तो इसी के साथ कोडिंग डीकोडिंग के ये जो डाइवर्सिटी थी जितनी भी, कि ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये भी एक पैटर्न है और ये भी एक पैटर्न है, हम देख चुके हैं। कोडिंग डीकोडिंग यहां समाप्त होता है पूरा टॉपिक। इसकी शीट मैं आज शाम तक अपलोड करा दूंगा। अब लिखिएगा, मुझे बताइए ये हो चुका है क्या हमारा टॉपिक, लॉजिकल वेन डायग्राम? नहीं हुआ है ना, लिखिए फिर लॉजिकल वेन डायग्राम। तार्किक वेन चित्र, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में पहले मैं आपको थीम सिखा रहा हूं, थीम मतलब कंसेप्ट, कि रियलिटी में ये बातचीत क्या चल रही है। लॉजिकल वेन डायग्राम में हम क्या कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो लॉजिकल वेन डायग्राम जो प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको पहले प्रश्न कैसा बनाया जाता है, आपको कोई तीन ग्रुप दे दिए जाते हैं। जैसे तीन ग्रुप में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, तीन ग्रुप मैंने दिए, मदर्स माताएं, फीमेल्स महिलाएं और विमन, विमन महिलाएं। मान लीजिए कि आपको ये तीन ग्रुप दे दिए जाए और इमेजिन करवाए जाए कि इन तीनों ग्रुप में क्या कॉमन रिलेशन है, और फिर आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं। यहां फीमेल्स नहीं है, यहां मदर वाइफ है, वाइफ तो पत्नियां, मदर्स और विमन, वाइफ्स भी लिख सकते हैं आप, पत्नियां, माताएं और महिलाएं। तो ऑप्शन ए ये दिया गया है, ऑप्शन बी ये दिया गया है। ये ऑप्शन सी है,
ऑप्शन डी दिया गया है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ऐसा चित्र है, कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो इन तीन ग्रुप को सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो मैं भी देखना चाहता हूं थीम समझाने से पहले क्या आपकी राय है यहां पर, कि अगर आप उत्तर लगाएंगे तो क्या आंसर सोच रहे हैं। माताएं पत्नियां महिलाएं, बहुत बढ़िया। तो कई सारे स्टूडेंट ने मतलब चारों आंसर लगाए मोटे तौर पर गए, तो इसका कारण है क्योंकि हमें इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है। देखो जब पहली बार ये सवाल आता है तो कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि उन्हें ये जो चित्र बनाने हैं उन्हें अपने रिश्तों के आधार पर बनाने हैं, कि भाई एक लड़का तो ये सोचेगा कि माता अलग होती है पत्नी अलग होती है, लेकिन रियलिटी में ये तुम्हारे ब्लड रिलेशन पर बेस्ड डायग्राम नहीं है, ये तुम्हारे रक्त संबंधों पर आधारित प्रश्न नहीं है, बल्कि यह इस बात पर बेस्ड है कि इस दुनिया की माताओं का जो ग्रुप है, अगर दुनिया की पूरी माताओं को खड़ा किया जाए, दुनिया भर की पूरी पत्नियों को खड़ा किया जाए, दुनिया भर की महिलाओं को खड़ा किया जाए, तो इनके बीच में क्या रिलेशंस है, तो आपको अद्भुत रिलेशन मिलेंगे। अगर दुनिया ना समझ में आए तो अपने मोहल्ले पर आओ, अपने मोहल्ले पर इस मोहल्ले की माताओं, आपके मोहल्ले की माताओं को, पत्नियों को, महिलाओं को यदि अरेंज किया जाए तो क्या रिलेशन आएगा। तो ऑब्वियसली जो गंदे लाल लाली इसको चुन रहे हैं उनका कहना है कि कुछ पत्नियां महिलाएं हैं, तो क्या बाकी की पत्नियां पुरुष थे, ये तो हो ही नहीं सकता था, मतलब बहुत ही गंदा सोच है ये तो। फिर जो लोग ये सोच रहे हैं कि महिलाओं के अंतर्गत पत्नी और माता आएगी, ये आपको लग रहा है, लेकिन रियलिटी में इस दुनिया में कोई माता बगैर पत्नी के माता तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इस दुनिया की सारी पत्नी माताएं, सभी मदर वाइफ के ग्रुप में आएगी और वाइफ सभी विमन के ग्रुप में आएगी। इसका आंसर केवल और केवल होना चाहिए। यहां जो लोग कह रहे हैं उनका कहना है कि कुछ माताएं पत्नियां थी और कुछ माताएं बगैर पत्नियों के माताएं बन गई थी, ये तो हो ही नहीं सकता है। इस दुनिया में जितनी भी मदर हैं वो ऑलरेडी किसी वाइफ के ग्रुप में आ चुके हैं। सिंगल मॉम मुझे दिखा दो कौन है, वह भी बच्चा एडॉप्ट करना है तो एक अलग चीज है, लेकिन बच्चे को जन्म देना है तो वहां दो लोगों की तो जरूरत पड़ेगी। सुष्मिता सेन ने एडॉप्ट किया है, और इतना गहराई में क्यों जाते हो, जनरल सोचो। तो इसका मतलब इस चैप्टर की थीम पर आते हैं, इसका मतलब कि ये चैप्टर तुम्हारे ब्लड रिलेशन पर, तुम्हारे दृष्टिकोण पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये चैप्टर डिपेंड करता है उन तीनों ग्रुप के कॉमन आइटम पर, कि उस तीनों ग्रुप में जो लोग आएंगे क्या वो एक दूसरे के साथ कॉमन है या नहीं, वो एक दूसरे के साथ कॉमन कैसे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो थ्योरी लिखेंगे इन दिस टॉपिक, इस अध्याय में वी मेक द रिलेशन इन द ग्रुप, इस अध्याय में हम संबंध का निर्माण करते हैं, हम संबंध का निर्माण करते हैं
केवल उस समूह के सदस्यों की उभयनिष्ठता के आधार पर. इन दिस टॉपिक वी मेक द रिलेशन इन द ग्रुप ओनली ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आइटम.